पूरे प्रदेश में जगह जगह बाढ़ के हालात हैं और प्रदेश की जनता उससे जूझ रही है। माना कि यह एक प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समय रहते संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी को रोकने के उपाय करे, जिससे कि बाढ़ का पानी आबादी के क्षेत्रों में जाकर जनजीवन को अस्त व्यस्त न करे। इसके लिए सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपया यह सोचकर खर्च करती है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ के हालात से जूझना ना पड़े, लेकिन अफसरों, नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार करोड़ों रुपया बाढ़ के पानी की तरह कहां बह जाता है इसका कुछ पता नहीं चलता। सरकारी कार्यों में कोई कमी ना रहे, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में प्रदेश के अफसरों को लापरवाही न बरतने के सख्त आदेश जारी कर रखे हैं कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के अफसरों पर मुख्यमंत्री का ये आदेश कितना असर डालता है, यह आज बिजनौर में उस समय देखने को मिला जब प्रदेश के राज्य सिंचाई मंत्री दिनेश खत्री गंगा बैराज पर बाढ़ सुरक्षा के कामों का जायजा लेने पहुंचे। बिजनौर में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे काम को देखकर मंत्री जी इतने आग बबूला हुए कि मौके पर ही उन्होंने अफसरों की क्लास लगाते हुए कहा कि मैंने आज तक इससे घटिया काम नहीं देखा। दरअसल बिजनौर में गंगा की बाढ़ से गांवों को बचाने के लिए गंगा किनारे पत्थरों के बांध बनाए जा रहे हैं, जिसकी निरीक्षण के लिए सिंचाई राज्य मंत्री खुद मौके पर पहुंचे। मौके पर जब उन्होंने धीमी गति से किए जा रहे आधे अधूरे कामों को देखा तो मंत्री जी बिफर उठे और उन्होंने अफसरों को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अफसरों को ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने को कहा। मंत्री जी चल रहे काम की गुणवत्ता से इतने गुस्से में थे कि जमीन से पत्थर उठा उठा कर उन्होंने अफसरों को दिखाए और कहा कि क्या इन पत्थरों से बांध बनाओगे। मंत्री ने साफ कहा कि आप अगर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी यहाँ आकर इस काम को देख ले तो किसी को नहीं बख्शेंगे। इस निरीक्षण में एक बात तो साफ नजर आई कि सरकार काम करना चाहती है और कर भी रही, लेकिन भ्रष्ट अफसरों और बेईमान ठेकेदारों की लापरवाही से आज प्रदेश की जनता बाढ़ जैसे हालातों का सामना करने को मजबूर है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ तुषार वर्मा की ये रिपोर्ट। जो कार्य हमारे बाढ़ निरोधक चल रहे हैं वो रूटीन में है। कुछ कार्य हमारे बहुत कंप्लीट, ज़्यादातर 90% कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो काम हमारा ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, जो समय से नहीं हो चुका। अब उसको जल्दी से कराने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने कहा है कि उसको जल्दी से कराया जाए। जो देरी हुई है और काम की गुणवत्ता को लेकर भी आपने सवाल उठाया थे इस क्वेश्चन में, उसमें कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं आपने, क्या आपने आदेश दिया है? जो कार्य है उसको सुधार के लिए कहा गया है, उस सुधार करेंगे। जो अगर काम में किसी में कमी पाई जाएगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।